Assalamualaikum everyone, I hope so आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Shutterstock के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, Shutterstock ने पहली पेमेंट जो है वो मुझे सेंड की है। पैसा ही पैसा होगा। सो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो Shutterstock के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप लोग किस तरह से Shutterstock के ऊपर काम कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि Shutterstock काम किस तरह से करता है। वेल, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, लाइक एक ग्राफिक डिजाइनर, एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर या फिर कोई इलस्ट्रेटर, आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, अगर वो आप Shutterstock के ऊपर अपलोड करते हैं और उसको कोई क्लाइंट कस्टमर बाय करता है तो उसकी कुछ परसेंटेज कमीशन आपको मिलता है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये जो कमीशन है वो लाइफ टाइम होता है। मतलब ये कि आपने एक दफ़ा कोई कंटेंट क्रिएट करके Shutterstock पे अपलोड कर दिया, फिर वो लाइफ टाइम जितनी दफ़ा भी उसे कोई और क्लाइंट भी बाय करेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। लाइक देयर इज नो एंडिंग इन दिस। लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो जो कमीशन होता है वो कम होता है लेकिन कंसिस्टेंट होता है। और यहाँ पे क्वालिटी तो मैटर करेगी ही लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। मतलब आप जहाँ पे आपको 10 इमेजेस, 10 वेक्टर्स या 10 वीडियोस जो हैं वो थोड़े पैसे जनरेट करके दे रही हैं पर मंथ, वहाँ आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दें तो एक जो मंथली पैसिव इनकम है वो Shutterstock से आप जनरेट कर सकते हैं। बात अगर कर ली जाए कि Shutterstock के ऊपर मैंने किस तरह से काम स्टार्ट किया, तो ईयर अगो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेरे टीचर हैं सर उमर फारूक खान, उन्होंने मुझे बताया कि Shutterstock के ऊपर इस तरह से काम किया जा सकता है। सो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ फैक्टर्स क्रिएट किए और वो मैंने Shutterstock के ऊपर वैसे ही अपलोड कर दिए। लकीली विद इन अ मंथ उसके ऊपर सेल्स आना शुरू हो गई और आई गेस 50+ मैंने जो है लिस्टिंग Shutterstock के ऊपर की, और वो भी जब कभी फ्री टाइम मिलता था थोड़ा सा मैं कोई चीज़ क्रिएट करके, कोई वैक्टर क्रिएट करके मैं जो Shutterstock के ऊपर अपलोड कर देता था। सो जो मेरा पहला पे आउट Shutterstock ने मुझे सेंड किया दैट इज़ $35। आई नो पे आउट जो है वो थोड़ा कम है लेकिन ये पैसिव है। मतलब जितनी बार सेल होगा उतनी बार मुझे कमीशन मिलेगा और मैंने तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टार्ट किया था। सो पहला पे आउट भी मिल गया। तो जो लेसन मुझे सीखने के लिए मिला वो ये था कि अगर इसके ऊपर फोकस्ड होके काम किया जाए, इसके ऊपर क्वांटिटी अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ अपने काम की, तो एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है पर मंथ। सो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं Shutterstock के ऊपर? अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वेक्टर्स क्रिएट करना शुरू करें इलस्ट्रेटर के अंदर। तो एज ए फोटोग्राफर आप स्टॉक फोटोग्राफी यहाँ पे जो है वो करके अपलोड कर सकते हैं, उसका आपको कमीशन मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं तो आप वीडियोस जो है वो शूट करके अपलोड कर सकते हैं। इवन अगर आप अच्छे इलस्ट्रेटर हैं तो इलस्ट्रेशंस क्रिएट करें, वो Shutterstock के ऊपर लिस्ट करना शुरू करें। एटलीस्ट 50 लिस्टिंग जब आप करेंगे आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि सेल्स आना शुरू हो गई हैं। कुछ जो सेल्स आती हैं वो अच्छी अमाउंट की होती हैं, लाइक $5, $10 की भी एक पिक्चर सेल हो जाती है, एक वेक्टर सेल हो जाता है। कुछ जो सेल्स हैं वो सेंट्स के अंदर होती हैं, लाइक 10 सेंट्स हैं, 50 सेंट्स हैं। इस तरह से Shutterstock काम करता है। सो मैं अभी आप लोगों के साथ अपने अकाउंट का जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, अपनी स्टैट शेयर करता हूँ। $35 जो मुझे पहला पे आउट मिला मैं वो भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, ताकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आपने अर्निंग तो कर ली, उसका प्रूफ कहाँ है, उसके स्क्रीनशॉट अर्निंग प्रूफ कहाँ पे है। सो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपना अकाउंट यहाँ पे जो है वो लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सो हेयर इट इज़ submit.shutterstock.com। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। सो अभी $35 का पे आउट, उसके बाद $1.24 जो हैं वो अगेन बन चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को रिसेंट जो है वो सेल्स दिखाऊँ तो ये देखें सेंट्स 0.10, 0.30 और 0.44। सो इस तरह से जो है वो Shutterstock के ऊपर काम किया जाता है। ये जो सेल्स हैं ये मैंने अपना एक पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है उसके ऊपर सेल्स आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे लोकेशन वाइज देखूँ तो ये देखें रशिया से एक डाउनलोड हुआ है, उसके बाद बर्मिंघम से हुआ है, एंड अगेन यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक पूरी दुनिया, लाहौर, पाकिस्तान से भी लोग। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्ट है जिसको मैंने टारगेट किया हुआ है अपनी पोर्टफोलियो के अंदर। सो उसके ऊपर इंडिया से भी सेल्स आती हैं, दुबई से भी सेल्स आती हैं एंड पाकिस्तान से भी सेल्स आती हैं।
सो इस तरह से लाइक ये देखिए मेरा ये लाइफ टाइम अर्निंग है 38.80, 122 डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसमें 122 इमेजेस ही डाउनलोड हुए हैं क्योंकि मैंने वीडियो के ऊपर काम नहीं किया। अकाउंट मैंने काफ़ी पुराना बनाया हुआ है लेकिन मैंने इसके ऊपर अपलोड करना रिसेंटली स्टार्ट किया, लाइक अयर वो मैंने इसके ऊपर कुछ वेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट करके मैंने अपलोड कर दिए थे। शटरस्टॉक की तरह और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक अडोबी स्टॉक है और अलेमी है और काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर स्टॉक फोटोग्राफी या फिर वेक्टर्स अपलोड किए जा सकते हैं। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है एक पैसिव इनकम जनरेट करने का। थोड़ी सी मेहनत कर लें, वन टाइम मेहनत है, उसके बाद जो है उसका जो फ्रूट है वो लाइफ टाइम मिल लें। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको वेक्टर्स क्रिएट करना सिखाऊं, उनको किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट कितने साइज से क्रिएट करनी है, उसको सेव किस तरह से करना है, फिर उसको प्रूफ किस तरह से करवाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू चूज टॉपिक्स फॉर वेक्टर्स या फिर फोटोज। वेल फोटोज में मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वेक्टर्स के अंदर एक्सपीरियंस है तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बना सकता हूँ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।